नमस्कार, एसडीएफ न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आर के रोशन। आइए देखते हैं अब तक की 10 बड़ी खबरें। पहले चरण के नामांकन पत्र दाखिल करने का समय अब एक और दिन ही रह गया है। अतः सभी दलों ने आनन फानन में अपने उम्मीदवारों के नाम एवं क्षेत्र की घोषणा कर दी है। एनडीए गठबंधन समेत बिहार के महागठबंधन ने आपसी मनमुटाव के बीच भी नाम तय कर लिए हैं। झारखंड के झामुमो के नेताओं ने राजद पर टिकट में खैरात देने जैसा सलूक बताते हुए नाराजगी जताई है। उसने बिहार विधानसभा चुनाव के लिए महागठबंधन से बाहर निकलते हुए अपना रास्ता अलग कर लिया है। संभव है कि वे 7 सीटों से अलग प्रत्याशी देने की घोषणा करें। एक और दल महागठबंधन से बाहर। बिहार के लिए एनडीए गठबंधन अब नीतीश कुमार का नाम लेकर ही चुनावी बैतरणी पार होगी। इस बीच बिहार में एनडीए के हैं खंभे 4, उसी के बूते नई सरकार कह सकते हैं। इस बात की पुष्टि मंगलवार को संयुक्त प्रेस वार्ता के दौरान की गई। लोजपा की टकुर सुहाती को जोर का झटका जोर से लगा है। संयुक्त प्रेस वार्ता के दौरान उपमुख्यमंत्री सुशील मोदी ने पीएम की तस्वीर चुनाव में इस्तेमाल किए जाने पर चुनाव आयोग से भी शिकायत दर्ज करने की बात कहकर गुड़ खाए गुलगुल्ले से परहेज पर मुहर लगा दी है। राजद ने जातीय गणित के तहत सभी जातियों को प्रतिनिधित्व देने के साथ सत्ता समीकरण को ठीक से साधने का प्रयास किया है। वैसे विरोध का स्वर भी सुनाई देना स्वाभाविक ही है। इस बीच 9 यादव, 8 दलित, 4 स्वर्ण और 2 मुस्लिम उम्मीदवार उतार कर समीकरण को बैलेंस करने की कोशिश की है। मोकामा विधानसभा क्षेत्र का नाम आते ही सबों का कान खड़ा हो जाता है। इसके केंद्र बिंदु रहे तथा कथित बाहुबली अनंत सिंह इस बार भी पूरे दमखम के साथ इस क्षेत्र से उम्मीदवार बने हैं। राजद ने अनंत सिंह पर भरोसा जताया है। उधर मोकामा विधानसभा क्षेत्र के लिए एनडीए गठबंधन ने जदयू कोटे से राजीव नयन उर्फ अशोक बाबू पर भरोसा जताते हुए बेहतर छवि का उम्मीदवार दिया है। मोकामा के लोग उन्हें संत के रूप में मानते हैं। चेहल्लुम को लेकर कल पटना समेत बिहार के सभी जिलों में सुरक्षा व्यवस्था तथा चौकसी बढ़ा दी गई है। विशेष रूप से बाइकर्स गैंग पर निगरानी रखी जा रही है। शांति और विधि व्यवस्था की पूरी तैयारी कर ली गई है। इन दिनों राजधानी पटना का अशोक राज पथ अति व्यस्त रहने लगा है। नतीजतन इस पथ पर जाम की स्थिति में आम जनों की परेशानी बढ़ती जा रही है। विदित हो कि फुटपाती दुकानदारों और कारोबारियों द्वारा फुटपाथ के साथ सड़क पर कब्जा करने से जाम की स्थिति उत्पन्न हो रही है। चुनाव प्रचार के दौरान शराब के साथ नाजायज तौर पर पैसों का खेल करने वाले लोग भी काफी सक्रिय हो जाते हैं। दरभंगा पुलिस ने इस बीच सघन वाहन चेकिंग अभियान के तहत एक वाहन से 1 करोड़ रुपए, 11 लाख नगद राशि बरामद की है। छानबीन शुरू कर दी गई है। बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग भी सभी बिंदुओं पर पैनी निगाह डाले हुए है। निष्पक्ष चुनाव को समय से पूरा करना एक चुनौती भरा काम तो है, लेकिन असंभव भी नहीं है। चुनाव परिणाम होने तक प्रशासन भी आयोग के तहत ही हो जाता है। खबरों के इस सफर में बस इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए एसडीएफ न्यूज।